पार्ट टू के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में कितनी लेयर्स होती हैं, फेशिया कैंपर, फेशिया स्कार्पा के क्या एक्सटेंशन है, और प्री पेरिटोनियल फैट के अंदर हमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ और लेयर्स के फीचर्स की। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम अगर स्किन ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को देखते हैं तो इस स्किन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद होनी चाहिए, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट एज पर द सर्जिकल एज वेल एज अप्लाइड पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दैट इज द इंसिजन। ठीक है, व्हाट इज दैट इंसिजन? नाउ व्हेन यू पुट एनी इंसिजन ऑन द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि अगर हम कॉस्मेटिक एक्यूरेसी चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो हमने इंसिजन दिया वो हील होने के बाद पेशेंट के पेट पे एब्डोमिनल वॉल पे नजर ना आए, तो हमारा एम क्या होना चाहिए? इट शुड बी ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब क्या हुआ कि जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल आप देखते हो, इस एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की जो स्किन है उसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं, और ये कोलेजन फाइबर्स इस तरह से हॉरिजेंटली प्लेस्ड है। कोलेजन फाइबर्स कैसे हैं? हॉरिजेंटली प्लेस्ड, और इन हॉरिजेंटली प्लेस्ड कोलेजन फाइबर्स की वजह से हमें लाइंस मिलती है एब्डोमेन पे, एंड दे आर नोन एज लैंगर्स लाइन। इनका नाम क्या है? लैंगर्स लाइन। ठीक है, तो अगर सपोज आपने इंसिजन दिया, ठीक है, और ये इंसिजन, ये डर्मल आपके लाइंस हैं, इस डर्मल लाइंस के हॉरिजॉन्टली दिया, इस डर्मल लाइंस के पैरेलल दिया, तो पैरेलल देने से क्या होगा, और अगर आपने ये इंसिजन वर्टिकल दे दिया तो क्या होगा? वर्टिकल देने से क्या होगा? देयर इज ए टेंशन। जब आप उस स्किन को सूचर कर दोगे, जब आप उस स्किन के दोनों एंड्स को जोड़ दोगे, तो स्टिल देयर इज ए टेंशन बिकॉज ऑफ दीज कोलेजन डर्मल फाइबर्स। ठीक है, और अगर आपने इंसिजन उसी डर्मल फाइबर के पैरेलल दिया है तो इसके अंदर किसी भी तरीके का टेंशन नहीं होगा। क्लियर? तो इसमें फर्क क्या होगा? फर्क ये पड़ेगा कि यहां पे जब हीलिंग होगी तो आपको स्कार जो है वो इसके कंपैरिजन की के अंदर थोड़ा सा ब्रॉड मिलेगा। ये स्कार कैसा होगा? ब्रॉड स्कार बनेगा। ठीक है, जब ये हील होगा तो ये ब्रॉड स्कार बनेगा और आपको एंट्री एब्डोमिनल वॉल पे क्लियर कट नजर आएगा। लेकिन ये जो स्कार है, ये स्कार बिकॉज ये लाइन ऑफ द लैंगर्स लाइन के प्लेन में है, उसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो हमें ये जो स्कार मिलेगा ये कॉस्मेटिकली हमें नजर ही नहीं आएगा। कॉस्मेटिकली नजर ही नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि एक तो इसके स्कार में गैप नहीं होगा, गैप क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पे टेंशन नहीं है डर्मल लाइंस का, और दूसरा बिकॉज इट इज इन द नेचुरल लाइंस। ठीक है, इट इज इन द फैशन ऑफ नेचुरल लाइंस, तो ये कॉस्मेटिकली ज्यादा एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, तो कई बार आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। ठीक है, कॉस्मेटिकली आप हॉरिजॉन्टल स्कार देना, इंसिजन देना चाहोगे या वर्टिकल? सो इट इज मोस्टली वी प्रेफर ऑलवेज द हॉरिजॉन्टल इंसिजन ऑन द एब्डोमेन बिकॉज दे आर कॉस्मेटिकली मोर एक्सेप्टेबल। क्लियर? सो ये एक बात है जो आपको याद रखनी है अबाउट द स्किन ऑफ दिस एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। क्लियर? अब आपको मैं तीन एक ही नाम के आर्टरीज है उसमें हम थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे कि जब हम सुपरफिशियल फैट की बात करते हैं, व्हेन यू विल टॉक अबाउट द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल फैट, तो हमें एक स्किन को कट करने के बाद फेशिया कैंपर आता है। कौन सा फेशिया आता है? फेशिया कैंपर। ठीक है, तो ये आपका क्या है? सपोज दिस इज अवर आउटर मोस्ट स्किन, दिस इज द स्किन। क्लियर? ये जो स्किन है, इस स्किन के नीचे यहां पे ये क्या है? फैटी टिश्यू, और ये फैटी टिश्यू क्या है? फेशिया कैंपर। इस फैटी टिश्यू में के नीचे यहां पे क्या है? स्कारपास फेशिया। देन यू विल हैव थ्री मसल लेयर। क्लियर? जो मैं एक साथ एक ही ब्लॉक में बना रहा हूं, तीन मसल लेयर। उसके बाद आपके पास क्या है? फेशिया ट्रांसवर्सलिस।
उसके बाद क्या है आपके पास, प्री पेरिटोनियल फैट, और प्री पेरिटोनियल फैट के बाद ये क्या है, पैराइटल पेरिटोनियम। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि हमें पता है कि जो फीमोरल आर्टरी होती है क्या है, फीमोरल आर्टरी, ये जो फीमोरल आर्टरी है, इस फीमोरल आर्टरी की सुपरफिशियल ब्रांचेज होती है, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, ठीक है, एंड सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल। हम यहां पे आज बात कर रहे हैं सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, किसकी, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, ये जो सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है ये किसकी ब्रांच है, फीमोरल आर्टरी। ठीक है, दूसरी बात जो आपको यहां बहुत कॉन्सेप्चुअली समझनी है कि क्या फीमोरल आर्टरी सुपरफिशियल आर्टरी है, नहीं, फीमोरल आर्टरी एक डीप आर्टरी है। ठीक है, डीप आर्टरी मतलब ये हमें मिलती कहां है, तो जब आप थाई के अंदर डिसेक्शन करते हो, व्हेन यू विल ओपन द एरिया दैट इज नोन एज फीमोरल ट्राइंगल, उस फीमोरल ट्राइंगल में हमें ये फीमोरल शीथ के अंदर नजर आती है। ठीक है, तो एक बात ये हो गई कि फीमोरल शीथ के अंदर फीमोरल आर्टरी, फीमोरल शीथ की एंटीरियर वॉल कौन बना रहा है, फीमोरल शीथ की एंटीरियर वॉल बनाता है फेशिया ट्रांसवर्सलिस। ठीक है, तो ये जो फीमोरल आर्टरी है, इस फीमोरल आर्टरी में से जब सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी निकली, यानी इस एपिगैस्ट्रिक आर्टरी को कहां आना पड़ेगा, सबक्यूटेनियस एरिया में, इसको कहां आना पड़ेगा, सुपरफिशियली आना पड़ेगा, अदरवाइज ये सुपरफिशियल नहीं कहलाती। क्लियर, तो इसको सुपरफिशियल होने के लिए कैसे ये सुपरफिशियल होती है, तो ये सुपरफिशियल ऐसे होती है कि सपोज ये आपकी फीमोरल आर्टरी है और इस फीमोरल आर्टरी से ये सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी बाहर निकली, तो ये बाहर कहां से निकलती है, तो आपको पता होगा कि यहां पे होती है सैफेनस ओपनिंग, क्या होती है, सैफेनस ओपनिंग। ठीक है, और ये जो आर्टरी है इसके आगे ये एंटीरियर वॉल है, किसकी, फेशियल ट्रांसवर्सलिस, जो फीमोरल शीथ की एंटीरियर वॉल बना रही है। तो इस आर्टरी ने पहले किसको पियर्स किया, इस फेशियल ट्रांसवर्सलिस को पियर्स किया, और उसके बाद ये सैफेनस ओपनिंग से निकल के कहां आ गई, आपके सबक्यूटेनियस टिश्यू में आ गई। ठीक है, अब सबक्यूटेनियस टिश्यू से निकलने के बाद ये आर्टरी इंग्वाइडल लिगामेंट के आगे से होती हुई एब्डोमेन में जा रही है। तो ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि बच्चे हमेशा कंफ्यूजन ये करते हैं कि सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी अराइज कहां पे होती है, इट अराइजेज इन द फीमोरल ट्राइंगल, बट इट विल गो अपवर्ड, और अपवर्ड जब जाएगी तो ये किसके आगे से निकलेगी, ये सपोज ये इंग्वाइनल लिगामेंट है तो ये इंग्वाइनल लिगामेंट के आगे से जाएगी। ठीक है, बिकॉज इट इज नाउ रनिंग इन टू द फैटी लेयर, इट इज नाउ रनिंग इन द सबक्यूटेनियस एरिया, और ये सबक्यूटेनियस एरिया में आई किससे, इस डीप आर्टरी से, इस डीप आर्टरी का नाम क्या है, फीमोरल आर्टरी, इसमें से निकली सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक जिसने पहले फेशियल ट्रांसवर्सलिस को पियर्स किया, दैट इज फॉर्मिंग द एंटीरियर वॉल ऑफ द फीमोरल शीथ, उसके बाद सैफेनस ओपनिंग के आगे जो क्रिब्रिफॉर्म फेशिया होता है उसके थ्रू होती हुई सैफेनस ओपनिंग से बाहर होती हुई किसमें आ गई, सबक्यूटेनियस एरिया में, और इंग्वाइनल लिगामेंट के आगे से ये किसमें एंटर हो गई, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में। तो ये आर्टरी इस फैटी लेयर में हमें नजर आएगी, कहां, फेशिया कैंपर में नजर आएगी। ठीक है, क्योंकि थाई से ये कहां जा रही है, एब्डोमिन में, और एब्डोमिन में फैटी लेयर क्या कहलाती है, दिस लेयर इज नोन एज कैंपर फेशिया। क्लियर, सो ये जो सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है, नाउ इट रन्स हियर इनटू दिस फेशिया एंड दैट इज कैंपर्स लेयर और द फैटी लेयर ऑफ एंटीरियर वॉल। क्लियर, अब ये आर्टरी जाएगी किधर, ये आर्टरी किधर जाती है, तो अगर आप एंटीरियर वॉल को आगे से देखोगे, इफ यू विल सी द फ्रंट ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, व्हाट यू आर एबल टू अप्रिशिएट दैट दिस इज योर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, आप सामने से देख रहे हो, दिस इज योर अम्बिलिकस। क्लियर, यहां पे ये इंग्वाइनल लिगामेंट है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, एंड दिस इज योर थाई। आर्टरी कहां से अराइज हुई, ये आपकी फीमोरल आर्टरी थी, इस फीमोरल आर्टरी से सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी अराइज होती है, और अराइज होने के बाद ये किधर की तरफ जा रही है, दोनों साइड से टुवर्ड्स द अम्बिलिकस, टुवर्ड्स द अम्बिलिकस, बट
द फैटी लेयर, इट इज जस्ट बिलो द स्किन, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने यहां पे एक इंसिजन लगाया, ठीक है, हमने इंसिजन लगाया यहां पे, क्लियर, ये जो इंसिजन है स्किन में, आपने स्किन हटाई, स्किन के हटाते ही सबसे पहले कौन सी लेयर आ गई, फैटी लेयर, ये लेयर। तो फैटी लेयर जो है, इस फैटी लेयर के अंदर अगर आपने इंसिजन लगाया है तो ब्लीडिंग अगर हो रही है तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ द ब्लीडिंग, इंफ्राम्बिलिकल रीजन में, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में, जब आप स्किन पे इंसिजन रखते हो तो स्किन के नीचे जो फैट है वहां से ब्लड की ऊजिंग हो रही है। ब्लड की क्या हो रही है, ऊजिंग, ऊजिंग मतलब आपको ब्लड नजर आ रहा है, और उसका मोस्ट कॉमन सोर्स क्या होता है, तो आंसर इज सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, क्लियर। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो होती है वो सुपरफिशियली कैसे होती है, वो इनवेनल लिगामेंट के आगे से सुपरफिशियल हो जाती है, ठीक है। मैं ये बात इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपके पास एक और सेम आर्टरी है जिसका नाम है डीप एपिगैस्ट्रिक, ठीक है, ये है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, इसी तरह से एक है डीप इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक और द डीप एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। लेकिन वो डीप है यानी वो किससे अराइज होगी, फीमोरल आर्टरी से अराइज, फीमोरल आर्टरी से पहले कौन सी आर्टरी होती है, एक्सटर्नल इलियट, सो वो अराइज होगी इसी के अपर पार्ट से यानी एक्सटर्नल इलियट से, और बिकॉज उसका नाम डीप है तो वो फेशियल ट्रांसवर्सलिस के नीचे रहती है, वो किसके नीचे रहेगी, फेशियल ट्रांसवर्सलिस, तो ये फेशियल ट्रांसवर्सलिस है, ठीक है। सॉरी, तो फेशियल ट्रांसवर्सलिस के अगर नीचे है आर्टरी तो ये कौन सी आर्टरी है, डीप आर्टरी, और फेशियल ट्रांसवर्सलिस को पियर्स करके बाहर आ रही है, ये कौन सी आर्टरी है, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। दूसरा डिफरेंस क्या है कि सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इनवेनल कैनाल, इनवेनल लिगामेंट, दिस इनवेनल लिगामेंट को आगे से क्रॉस कर रही है इनसाइड द सबक्यूटेनियस फैट, व्हाइल यू विल सी दैट इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक और डीप एपिगैस्ट्रिक आर्टरी व्हिच इज द ब्रांच ऑफ दिस एक्सटर्नल ईयर, इट विल रिमेन डीप टू दिस फेशियल ट्रांसवर्सलिस, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको मेरे वीडियो वन में दिखाया था कि प्री पेरिटोनियल लेयर है, ये वाली जो लेयर है, दिस प्री पेरिटोनियल फैट और प्री पेरिटोनियल लेयर, ये कौन कौन, ये किस किस के बीच में है, ये है फेशियल ट्रांसवर्सलिस एंड पेराइटल पेरिटोनियम के बीच में है, और ये आर्टरी जिसको हम बोल रहे हैं इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ये फेशियल ट्रांसवर्सलिस के नीचे है, यानी ये आर्टरी यहां है इस प्लेन में है, क्लियर, और सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक इस प्लेन में है। सो यू कैन सी द डिफरेंस दैट फेशियल ट्रांसवर्सलिस के नीचे एक आर्टरी अगर आपको इस रीजन में नजर आ रही है तो वो क्या होगी, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक, लेकिन इसी रीजन में अगर स्किन के नीचे कोई आर्टरी नजर आ रही है तो वो क्या होगी, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक। प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। और ये जो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक या डीप एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है, ये किससे अराइज होती है, एक्सटर्नल इलियट से, और सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक किससे अराइज होती है, फीमोरल आर्टरी से, लेकिन ये फीमोरल ट्राइंगल में अराइज होती है बिलो द इनवेनल लिगामेंट, और ये एब्डोमेन में अराइज हो जाती है लोअर पार्ट में अबव द इनवेनल लिगामेंट और बिहाइंड द इनवेनल लिगामेंट लेवल, क्लियर। और ये जो आर्टरी है ये क्या बनाती है, दिस इज नोन एज लैटरल अम्बिलिकल फोल्ड, एंड दिस आर्टरी इज एक्चुअली प्रेजेंट इनटू द दिस प्री पेरिटोनियल फैटी टिश्यू और द लेयर, क्लियर। सो ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के बारे में पता होना चाहिए, क्लियर। नाउ विल टॉक नेक्स्ट अबाउट द मसल्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, नाउ विल डिस्कस अबाउट द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। एक्सटर्नल ऑब्लिक हमने देखा कि इट इज द मोस्ट सुपरफिशियल मसल ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है, इसीलिए इसमें नाम क्या है, एक्सटर्नल ऑब्लिक, ठीक है। आपको एक चीज मैं यहां पे बता देता हूं कि जब भी आप थोरेसिक मसल्स पढ़ते हो चेस्ट वॉल में, ठीक है, सो थोरेसिक मसल्स जो है हम तीन पढ़ते हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, इंटरनल इंटरकॉस्टल एंड इनर मोस्ट,
इनर मोस्ट, इंटरकॉस्टल और सबकॉस्टल, ठीक है। इसी तरह से हम एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में भी तीन मसल पड़ रहे हैं, ठीक है। कौन कौन सी? एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, ठीक है। अब आपको इनमें सिमिलैरिटी में आपको ओरिजिन इंसर्शन थोड़ा सा यहां में आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एक्सटर्नल ऑब्लिक और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल के मसल फाइबर्स की डायरेक्शन देखोगे तो वो इस तरह से होती है टुवर्ड्स मिडलाइन, ठीक है। ये कैसी डायरेक्शन है? जैसा आप अपना हाथ अपने पैंट की पॉकेट में डालते, ठीक है। सो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड एंड मीडियल। और ये डायरेक्शन किस तरह से शो कर रही है? एज यू आर पुटिंग योर हैंड इनसाइड योर पॉकेट टू टेक आउट समथिंग, ठीक है। तो जैसा आप अपना हाथ पॉकेट में डाल रहे हो वो फाइबर्स की जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स द मिड लाइन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फाइबर्स ऑफ बोथ, ये दोनों मसल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल ऑफ द चेस्ट एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। इन दोनों के राइट एंगल पे, इन दोनों मसल्स के राइट एंगल पे ये जो फाइबर्स हैं, ये किसके फाइबर्स हैं? दीज आर द फाइबर्स ऑफ दीज टू ग्रुप ऑफ मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल एंड इंटरनल ऑब्लिक। अगर आप एब्डोमेन में डिसेक्शन कर रहे हो और इंटरनल ऑब्लिक को देखोगे, या आप चेस्ट कैविटी पे डिसेक्शन कर रहे हो और इंटरनल इंटरकॉस्टल को देखोगे, देन यू विल रियलाइज दैट दीज बोथ आर हैविंग द सेम डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट लेयर, ठीक है। और ये जो थर्ड लेयर है इसके फाइबर्स हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, इसलिए इसको क्या बोला हमने? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मतलब ट्रांसवर्सली प्लेस्ड, क्लियर। सेकंड थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर दैट कि अगर आप चेस्ट में देखते हो तो चेस्ट में आपको अगर रिब का आप स्ट्रक्चर देखते हो तो ये रिब है, ठीक है। इसमें ये सब कॉस्टल ग्रूव है। इस सब कॉस्टल ग्रूव में यहां पे हम तीन स्ट्रक्चर देखते हैं, वेन आर्टरी और नर्व, बी ए एन, वेन आर्टरी नर्व। ये जो न्यूरोवैस्कुलर बंडल होता है ये कहां मिलता है? ये यहां मिलता है, इन दोनों लेयर्स के बीच में मिलता है। यानी आपको न्यूरोवैस्कुलर बंडल जो है वो इस प्लेन पे मिलता है। ये प्लेन कौन सा है? चेस्ट के अंदर इंटरनल इंटरकॉस्टल एंड इनर मोस्ट मसल के बीच में, ठीक है। इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट आपको एब्डोमेन में एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में भी मिलेगा, यानी इन दोनों लेयर्स के बीच में यहां पे आपको क्या मिलेगा? न्यूरोवैस्कुलर प्लेन और न्यूरोवैस्कुलर बंडल। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि एग्जाम में अगर कोई आपको पूछता है, और इफ यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन कि वेयर इज द न्यूरोवैस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट, द आंसर इज हेयर बिटवीन द इंटरनल इंटरकॉस्टल एंड इनर मोस्ट, हेयर बिटवीन द इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, ठीक है। सो इसीलिए इसी रीजन से जब आप नर्व सप्लाई ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पढ़ते हैं, then you will realize कि जितनी भी thoracic nerve हैं, जो कि abdomen में भी supply करती हैं, which are the lower six thoracic nerves, वो सारी thoracic nerves इस space से होती हुई, इस space में thorax से होती हुई abdomen में enter करती हैं, ठीक है। इसीलिए अगर आप वापस से जाके सब pre-peritoneal space को देखोगे, अगर if you look for the pre-peritoneal स्पेस, दैट इज द स्पेस बिटवीन द फेशियल ट्रांसवर्सलिस एंड पैराइटल पेरिटोनियम, आप ये रियलाइज करोगे कि इस स्पेस में कोई नर्व रन नहीं करती है। क्यों रन नहीं करती है? क्योंकि नर्व कहां रन करती है? यहां रन करती है, एब्डोमेन में। कहां रन करती है? बिटवीन द इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। और ये प्लेन तो कहां है? अभी तो इसके नीचे एक और लेयर आएगी, फेशियल ट्रांसवर्सलिस, उसके बाद आएगा ये वाला एरिया, ठीक है। So, यहां पे कोई नाव नहीं है। नाव कहां है? इस लेयर के अंदर, क्लियर। तो आपको सबसे पहली चीज यहां पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्शन ऑफ द फाइबर्स। सो एक्सटर्नल ऑब्लिक इट डायरेक्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स? द फाइबर्स आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड मीडियली, इफ दे आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड मीडियली। नाउ व्हाट इज द ओरिजिन? Now we'll talk about origin of
this muscle. So the fibers arises from the lower eight ribs in the mid shaft region. रिब्स का एक्सटर्नल सरफेस का मिड शाफ्ट एरिया, ठीक है। अब ये जो लोअर एट रिब्स हैं, अगर आप इन लोअर एट रिब्स को देखते हो तो ये जो लोअर एट रिब्स हैं, इन एट रिब्स पे बात करोगे तो एक्सटर्नल सरफेस में अपर एट रिब्स सेरेटस एंटीरियर को ओरिजिन देते हैं और जो लोअर फोर रिब्स हैं वो लैटिसिमस डॉर्सी के साथ अटैच होते हैं। तो जो हमने लोअर एट रिब्स की बात करी उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, फोर एंड फोर, लोअर मोस्ट फोर, मिडिल फोर, ठीक है। ये जो फोर रिब्स हैं, इनके लैटरल सरफेस पे एक्सटर्नल ऑब्लिक का ओरिजिन किसके साथ इंटरडिजिटेट करेगा, सेरेटस एंटीरियर के साथ, और लोअर मोस्ट फोर रिब्स पे और एक्सटर्नल ऑब्लिक का ओरिजिन किसके साथ इंटरडिजिटेट करेगा, लैटिसिमस डॉर्सी मसल के साथ, क्लियर। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है कि ये जो फाइबर्स हैं ये इस तरह से जाएंगे टुवर्ड्स द मिडलाइन एंड इंफीरियरली, क्लियर। तो ये जो मसल है इसके जो फाइबर्स इस तरह से यहां रिब्स के लैटरल साइड से अराइज हो रहे हैं, ठीक है, आगे से अराइज नहीं हो रही है, ये यहां से अराइज हो रही है, और अराइज होने के बाद फाइबर्स इस तरह से नीचे जा रहे हैं, क्लियर। तो इस मसल की एक तो ये वाली बॉर्डर बनेगी मिडलाइन बॉर्डर, क्लियर। तो मिडलाइन बॉर्डर में क्या होगा कि ये जो फाइबर्स हैं दे आर फॉर्मिंग ए फ्लैट टेंडन एंड फ्लैट टेंडन इज नोन एज एपोन्यूरोसिस। व्हाट इज एपोन्यूरोसिस? एपोन्यूरोसिस इज ए फ्लैटेंड टेंडन, क्लियर। तो जो मसल फाइबर्स हैं वो इधर तो क्या है, बेली है, इधर तो मस्कुलर फाइबर्स है, लेकिन ये जो मिड क्लेविकुलर लाइन है इसको अगर हम एक लाइन ऑफ डिमार्केशन बनाएं तो अप्रोक्सीमेटली इस लाइन के पॉइंट पे, इस लाइन के बॉर्डर पे ये जो मसल है ये एपोन्यूरोटिक हो जाती है, ठीक है। और ये जो एपोन्यूरोसिस है ये आपस में मिड लाइन में ज्वाइन होके एक वाइड स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड दैट वाइड स्ट्रक्चर इज नोन एज लीनिया एल्बा। लीनिया एल्बा, लीनिया मतलब लाइन और एल्बा मतलब वाइड इन कलर, एल्बिकेंस, ठीक है। सो ये जो व्हाइट फाइबर्स हैं जो मिड लाइन में हैं वो क्या है, लीनिया एल्बा, ठीक है। ये जो आपका एक्सटर्नल ऑब्लिक है इसका ये क्या हो गया, मिड लाइन अटैचमेंट, ठीक है, ओरिजिन हो गया रिब्स से। अब इसका जो नीचे वाला पोर्शन बचेगा वहां पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास दोनों साइड क्या है, हिप बोन है। हिप बोन का ये अपर बॉर्डर क्या कहलाता है, इलियर क्रेस्ट, ठीक है। उस पूरे इलियर क्रेस्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वेंट्रल टू थर्ड एंड डॉर्सल वन थर्ड। उस वेंट्रल टू थर्ड के आउटर लिप पे, वेंट्रल टू थर्ड के आउटर लिप पे इसके फाइबर, जो वर्टिकल फाइबर्स आ रहे हैं, जो सबसे नीचे के फाइबर्स हैं, जो सबसे पीछे के फाइबर्स हैं, वो जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो एक बात तो आपको ये समझ में आई कि एक्सटर्नल ऑब्लिक अटैच कहां होती है, ऊपर की तरफ, अराइज कहां से होती है, लोअर एट रिब से, वहां पे इसका ओरिजिन सेरेटस एंटीरियर और लैटिसिमस डॉर्सी के साथ इंटरडिजिटेट करता है। दूसरी बात हमें यह समझ में आई कि मिड लाइन की तरफ जो फाइबर्स गए वो ऑलमोस्ट मिड क्लेविकुलर लाइन के लेवल पे एपोन्यूरोटिक हो जाते हैं और मिड लाइन में जाके आपस में मिल जाते हैं एंड दैट इज नोन एज लीनिया एल्बा। बिकॉज हमारे पास मिड लाइन में थोरैक्स के नीचे, ज़िफी स्टर्नम के नीचे और क्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर कोई बोन नहीं है, बोन नहीं है, तो मसल फाइबर्स आपस में जाके क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज लीनिया एल्बा। दूसरी चीज जो आपके सामने आई कि इसके जो फाइबर्स हैं, जो लोअर मोस्ट फाइबर्स हैं, वो जाके आपके वेंट्रल टू थर्ड ऑफ इलियर क्रेस्ट की आउटर लिप पे जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। अब बात बच गई कि इसके जो फाइबर्स, जो एपोन्यूरोसिस है, उस एपोन्यूरोसिस का जो लोअर पार्ट है वो लोअर पार्ट फ्री रहता है। एपोन्यूरोसिस का लोअर पार्ट फ्री रहता है। कैसे फ्री रहता है, देखो ये आपका एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, इस एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में ये आपका एएसआईएस है और ये प्यूबिक ट्यूबरकल सिम्फाइसिस, क्लियर। इसी तरह से ये इधर का प्यूबिक सिम्फाइसिस और ट्यूबरकल। अब ये जो आपका मसल है ये मसल
जो इस तरीके से जा रहा है डायरेक्शन में, इसका इस मिड क्लेविकुलर लाइन के बाद तो पार्ट क्या हो गया, एपोन्यूरोटिक, एंड ये दूसरी साइड के एपोन्यूरोटिक के साथ मिला और ये लाइन क्या कहलाया, व्हाइट लाइन इज नोन एज लीनिया एल्बा। ये जो एपोन्यूरोसिस है इसका ये जो लोअर एंड है, ये जो इंफीरियर बॉर्डर है, ये फ्री रहता है और ये इंफीरियर बॉर्डर एएसआई से प्यूबिक ट्यूबरकल तक अटैच हो जाता है। एंड ये जो फ्री मार्जिन है, दिस फ्री मार्जिन इज नोन एज इंग्वाइनल लिगामेंट। व्हाट इज दैट? इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। तो इंग्वाइनल लिगामेंट का दूसरा नाम होता है ओबार्स लिगामेंट, ठीक है। अब ये जो इंग्वाइनल लिगामेंट है, ये इंग्वाइनल लिगामेंट इस पॉइंट पे आने के बाद यहां पे अंदर की तरफ टर्न मारता है ऑन द प्यूबिक क्रेस्ट, ठीक है। और वो जो टर्न अंदर की तरफ मारेगा, वो जो अंदर टर्न इस तरीके से इसका जाएगा, ये जो टर्न है ये कहलाता है लैक्यूनार लिगामेंट। दिस इज लैक्यूनार लिगामेंट। इस कॉम्पोनेंट को आप पढ़ते हो कहां पे, जब आप फीमोरल रिंग के बारे में स्टडी करते हो। सो जब आप फीमोरल रिंग पढ़ते हो, तो यहां पे फीमोरल रिंग जनरेट होती है, उसकी एक बाउंड्री बनाता है लैक्यूनार लिगामेंट। और लैक्यूनार लिगामेंट किसका मॉडिफिकेशन है, एक्चुअली ये इस इंग्वाइनल लिगामेंट की इनफोल्डिंग है, इनर फोल्डिंग है, क्लियर। तो आपको यहां पे ये समझना है कि इंग्वाइनल लिगामेंट किससे बनता है। इंग्वाइनल लिगामेंट इज द लोअर फ्री मार्जिन ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिगोन्यूरोसिस व्हिच एक्सटेंड्स फ्रॉम एनजियो सुपीरियर स्पाइन एंड प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में भी आप ये देख पा रहे हो कि ये ओरिजिन है। इस ओरिजिन में यहाँ पे चेस्ट वॉल से अराइज हो रहा है और ये जो फाइबर्स हैं, दे आर रनिंग डाउनवर्ड एंड मीडियली। नाउ दिस इज योर लीनिया एल्बा इन द मिड लाइन, एंड हियर यू कैन सी दैट द फाइबर्स आर अटैच्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ दिस इलियक क्रेस्ट, एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द वेंट्रल सेगमेंट ऑफ द इलियक क्रेस्ट, एंड हियर यू कैन सी दैट दिस इज द इंग्वाइनल लिगामेंट which is the lower free margin of the aponeurosis extending from anterior superior iliac spine to the pubic tubercle, clear। so ye kya hai aapka external oblique muscle hai। ab hum the next one will discuss about the internal oblique। dekhiye internal oblique jo hai, abhi maine bataya aapko ki iske jo muscle fibers hain wo right angle hote hain iske external oblique, ठीक है। तो एक्सटर्नल ऑब्लिक के फाइबर्स इस तरह से हैं, इंटरनल ऑब्लिक के फाइबर्स राइट एंगल पे हैं। तो इंटरनल ऑब्लिक कहां से आ रही होती, नीचे से। इंटरनल ऑब्लिक का ओरिजिन है नीचे की तरफ, ठीक है। ये नीचे कहां से आ रही होगी, तो देखिए आप अगर आगे से पीछे की तरफ इसका नीचे की तरफ ओरिजिन देखेंगे, तो ये आपका एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। यहां पर हमारा एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और दिस इज योर इंग्वाइनल लिगामेंट, दिस इज प्यूबिक ट्यूबरकल एंड सिम्फाइसिस, क्लियर। तो ये जो मसल होती है ये अराइज होती है इस इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर से। देखिए इंग्वाइनल लिगामेंट बना कैसे, कि ये जो इंग्वाइनल लिगामेंट था, ये एक्सटर्नल ऑब्लिक का लोअर फ्री बॉर्डर, ये जो फ्री बॉर्डर है ये इस तरीके से टर्न हो गया, और ये जो फ्री बॉर्डर था ये किस किस के बीच में अटैच्ड है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक ट्यूबरकल के बीच में अटैच्ड। टर्न होने के बाद ऊपर एक गैप क्रिएट हुआ, ये गैप क्या कहलाया, ये गैप कहलाता है इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है। लेकिन ये इंग्वाइनल कैनाल एएसआई से प्यूबिक ट्यूबरकल तक पूरी लेंथ में नहीं है। क्यों नहीं है ये कैनाल पूरी लेंथ में, बिकॉज इस कैनाल को इस ग्रूव का, इस सुपीरियर सरफेस का जो लैटरल टू थर्ड पार्ट है, वो लैटरल टू थर्ड पार्ट इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिन इसको ओरिजिन देता है, ठीक है। तो ये जो ग्रुप बनेगा इस एपोन्यूरोसिस की इनफोल्डिंग से, इस एपोन्यूरोसिस की इनफोल्डिंग से जो ग्रुप क्रिएट होगा, इस ग्रुप का ओनली मीडियल 4 or 5 centimeter इज नोन एज इंग्वाइनल कैनाल। इसका जो मेजर लैटरल पोर्शन है वो ये जो पोर्शन है भर जाता है, इससे भर जाता है विद द ओरिजिन ऑफ मसल फाइबर। सो यहां से ये फाइबर्स अराइज हो रहे हैं, ठीक है। ये फाइबर्स किसके अराइज हो रहे हैं, इंटरनल ऑब्लिक के फाइबर्स अराइज हो रहे हैं। सो इंटरनल ऑब्लिक इज अराइजिंग फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द लैटरल टू थर्ड ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट,
ठीक है, इसको कैनाल नहीं बोलेंगे कि कैनाल तो सिर्फ यहां पे है, क्लियर। देन इट विल अराइज फ्रॉम द इलिया क्रेस्ट, तो ये इलिया क्रेस्ट होगा, सो इतना कंटिन्यूएशन द फाइबर्स विल अराइज फ्रॉम द इलिया क्रेस्ट बट अगेन फ्रॉम वेंट्रल सेगमेंट, ठीक है, जस्ट इन साइड द एक्सटर्नल ऑब्लिक अटैचमेंट। एंड पीछे की तरफ अगर आप और पीछे जाते हो तो हमें यहां पे एक फेशिया मिलता है, दैट इज नोन एज थोरेकोलंबार फेशिया। सो ये जो फाइबर्स हैं, बचे हुए फाइबर्स, वो अराइज होते हैं थोरेकोलंबार फेशिया से, ठीक है। सो एक्सटर्नल सॉरी इंटरनल ऑब्लिक का ओरिजिन तीन सोर्सेस से हो रहा है। पहला सोर्स क्या है? इंग्वाइनल लिगामेंट। दूसरा सोर्स इलियक क्रेस्ट। और तीसरा सोर्स थोरेकोलंबार फेशिया। अगर आप इसको ऐसे फोल्ड कर दो, ठीक है, बॉडी के अंदर, मैंने इसको यहां से ऐसे खोल दिया है तो आप लाइन में देख पा रहे हो, अदरवाइज अगर आप इसको फोल्ड कर दोगे तो ये हमारा ASIS जो है ये पीछे की तरफ क्या है, इलिया क्रेस्ट, और इलिया क्रेस्ट के बाद यहां आएगा थोरेकोलंबार फेशिया। सो थोरेकोलंबार फेशिया एक्चुअली है क्या? थोरेकोलंबार फेशिया जो पैरावर्टिब्रल मसल है, इरेक्टर स्पाइनी, उसके अराउंड का फेशिया है, ठीक है, वहां उसकी जो लैटरल फ्री बॉर्डर है वहां से ये अराइज हो रहा है, ठीक है, और नीचे से इलियक क्रेस्ट से अराइज हो रहा है और इंग्वाइनल लिगामेंट से अराइज हो रहा है, ठीक है। सो अगर आप ये डायग्राम देख रहे हो तो इस डायग्राम में यू कैन सी ऑल द थ्री साइड्स ऑफ द ओरिजिन, दिस इज द इंग्वाइनल लिगामेंट, दिस इज इलियक क्रेस्ट, एंड हियर इज द थोरेकोलंबार फेशिया। सो दिस मसल इज अराइजिंग फ्रॉम ऑल द थ्री एरियाज and the fibers are right angled to the external oblique and ye jo upar ki taraf fibers ja rahe hain, theek hai, ab iska insertion kahan hai, so you can see in this diagram that the fibers are inserting into the lower ribs, jo piche ki taraf se fibers aa rahe hain, they are inserting into the lower ribs while the fibers are making again the aponeurosis and they are forming the linea alba, theek hai, so linea alba ke andar दूसरे जो फाइबर्स आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं, इंटरनल ऑब्लिक के भी आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो एपोन्यूरोसिस है, ये एपोन्यूरोसिस इसकी मस्कुलर पार्ट से लेके और लीनिया एल्बा तक रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को भी कवर करता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेक्टस शीथ। सो दैट विल सी इन द कमिंग क्लास कि ये जो एपोन्यूरोसिस है ये लीनिया एल्बा तक कैसे पहुंचता है, ठीक है, दैट इज द मॉडिफिकेशन इज नोन एज रेक्टस शीथ, ठीक है। अभी के लिए आप ये देख रहे हो कि इसका ओरिजिन कहां है और इसका इंसर्शन कहां है, ठीक है। इसके इंसर्शन में नीचे की तरफ जहां हम इंग्वाइनल लिगामेंट का अटैचमेंट पढ़ रहे हैं वहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो लोअर फाइबर्स होते हैं ये आर्च फाइबर्स होते हैं, क्या बनाते हैं, आर्च। नाउ इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट दीज आर द आर्च फाइबर्स, दोज आर अराइजिंग फ्रॉम द लैटरल साइड ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट एंड मेकिंग द आर्च एंड गोइंग ऑन द पैक्टिन प्यूबिस, वो प्यूबिक बोन के पैक्टिन प्यूबिस पे जाके इंसर्ट हो जाते हैं, वहां पे जाके ये बनाते हैं कॉन्जॉइंट टेंडन विद द मसल फाइबर्स ऑफ ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, क्लियर। तो यहां पे अब आपको दो नई टर्म्स आती हैं, पहली जो पूछी जाने वाली टर्म है व्हाट इज कॉन्जॉइंट टेंडन, सो व्हाट इज कॉन्जॉइंट टेंडन, कॉन्जॉइंट टेंडन और द कॉन्जॉइंट स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ऑन द पैक्टिन प्यूबिस which is a contribution of the fibers of the internal oblique, arch fibers concession with transverse abdominis, ठीक है। दूसरा जो आपको यहां पे एक और स्ट्रक्चर आता है that is known as cremaster, cremastric muscle. Now ये जो cremastric muscle होती है ये spermatic cord के चारों ओर होती है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब spermatic cord यहां से नीचे जाती है, ठीक है, that we'll see in the coming classes कि एक इंग्वाइनल कैनाल से होती हुई जो नीचे जाती है, तो ये जो फाइबर्स हैं, ये वाले जो फाइबर्स हैं इंटरनल ऑब्लिक के, ये फाइबर्स इसके साथ कुछ फाइबर्स इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के अराउंड इस तरीके से लूप कर लेते हैं और ये लूप फाइबर्स क्या कहलाते हैं, क्रीमेस्ट्रिक मसल, ठीक है। सो यहां पे आपको इंटरनल ऑब्लिक के दो इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स मिलते हैं, वन इज फॉर्म द कॉन्जॉइंट टेंडन विद द ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस एंड दूसरा क्रिमेस्ट्रिक मसल अराउंड द स्पर्मेटिक कॉर्ड विच इज ऑल्सो द एक्सटेंशन ऑफ द सम फाइबर्स ऑफ इंटरनल ऑब्लिक मसल, क्लियर। सो ये हो गया इंटरनल ऑब्लिक के बारे में। अब तीसरी मसल आती है ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस,
तो ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस का ओरिजिन कहां से होता है? तो फर्स्ट कि ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस का नाम क्या है, ट्रांसवर्सली प्लेस्ड फाइबर्स, यानी इसके फाइबर्स कैसे होंगे, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी, ठीक है, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होंगे, इसीलिए इसका नाम है ट्रांसवर्स। अब बीच में हमारे पास क्या, लीनियर एल्बा, क्लियर, तो इंसर्शन तो कहां हो गया, लीनियर एल्बा में हो गया, क्लियर। अब ओरिजिन कहां से होगा, तो ये चीज याद रखनी है आपको कि जो ओरिजिन हमने अभी दूसरी मसल्स का पढ़ा, यानी एक्सटर्नल ऑब्लिक को हमने ऊपर से राइज किया, इंटरनल ऑब्लिक को हमने नीचे से राइज किया और थोरैकोलंबर फेशिया से राइज किया, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस के लिए ये सारा एरिया क्या कहलाता है, ओरिजिन, यानी एक्सटर्नल ऑब्लिक वाला एरिया और इंटरनल ऑब्लिक वाला एरिया। अगर आप इसको ऐसे याद करोगे तो ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा, ओरिजिन, ठीक है। तो ये कौन कौन सा एरिया है, दीज आर द लोअर रिब्स, ठीक है, नीचे वाली रिब्स, ये क्या है, थोरैकोलंबर फेशिया, ये क्या है, दिस इज योर इलियक क्रेस्ट, और ये क्या था, इंग्वाइनल लिगामेंट फॉर द इंटरनल ऑब्लिक। तो इंटरनल ऑब्लिक का ओरिजिन आपने देखा था इंग्वाइनल लिगामेंट से, इलियक क्रेस्ट से, थोरैकोलंबर फेशिया से, और एक्सटर्नल ऑब्लिक का ओरिजिन देखा था लोअर रिब्स से। ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस दोनों के कॉम्बिनेशन, यानी लोअर रिब्स, थोरैकोलंबर फेशिया, एक्सटर्नल सॉरी इलियक क्रेस्ट एंड इंग्वाइनल लिगामेंट, ये सारा रीजन किसको ओरिजिन देता है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल, ठीक है। इसके मेजोरिटी ऑफ द फाइबर्स जो है वो इस तरीके से आगे लीनियर एल्बम में अटैच हो जाते हैं, बट इसके जो ये लोअर फाइबर्स हैं जो कि इंग्वाइनल लिगामेंट से अराइज हो रहे हैं वो भी कैसे होते हैं, आर्च फाइबर होते हैं, एज सेम एज द इंटरनल ऑब्लिक। और ये मैंने अभी आपको बताया कि ये जो आर्च फाइबर्स हैं कहां पे अटैच होते हैं, पैक्टिन प्यूबिस पे, कहां पे, पैक्टिन प्यूबिस पे, और ये आर्च फाइबर ऑफ ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस किसके साथ मिल जाते हैं, इंटरनल ऑब्लिक के साथ, और वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कॉन्जॉइंट टेंडन बनाते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली अभी हमने देखा कि अगर आप ये दो डायग्राम साइमल्टेनियसली देख रहे हो, इफ यू विल सी दीज टू डायग्राम, तो यहां पे आप इंटरनल और एक्सटर्नल ऑब्लिक के डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, ये जो नेक्स्ट डायग्राम आप देख रहे हो, इस नेक्स्ट डायग्राम में आप थोरैकोलंबर फेशिया को अप्रिशिएट कर सकते हो। नाउ यू कैन सी दैट ये जो थोरैकोलंबर फेशिया है, इससे एक तो क्या राइज हो रही है, इंटरनल ऑब्लिक, दूसरा क्या राइज हो रही है, इंटरनल ऑब्लिक के अंदर की तरफ ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, ठीक है। सो इन नटशेल वी हैव सीन दैट देयर आर थ्री ब्रॉड शीट लाइक मसल्स इन द इंटरनल वॉल, एंड ये तीनों मसल्स जो होती है इनका जो मिडलाइन एरिया है, टुवर्ड्स द मिडलाइन क्या हो जाता है, पार्ट एपोन्यूरोटिक हो जाता है, और ये तीनों एपोन्यूरोसिस मिलके क्या बनाते हैं, लीनिया एल्बा बनाते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज अबाउट द टुडेज लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। थैंक यू।